खबर यह है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उन्हें दिया गया था, खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। यानी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो निमंत्रण दिया गया था उसे ठुकराते हुए उन्होंने कह दिया है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। ये बड़ी खबर। आप सोचिए, निमंत्रण को लेकर जो सियासत चल रही थी, अब उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि वो इस आयोजन में, इस अनुष्ठान में भाग नहीं लेंगे, वो इस न्योते को ठुकरा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामलला विराजमान होंगे और ना केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया, जहां राम भक्त हैं, हर कोई टकटकी लगाए इस क्षण का इंतजार कर रहा है। और जिसे निमंत्रण मिला है वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है कि उस दिन वो इस इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले पल का साक्षी बनने के लिए जाएगा। लेकिन इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी नहीं जाएंगे अयोध्या, ये बड़ी खबर आ रही है। ठुकरा दिया है न्योता मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राहुल गांधी, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते नजर आए थे, राम को लेकर आम मनुवाद की बात करते हैं उदित राज, तो फिर ऐसे में कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयानबाजी और अब इस निमंत्रण को ठुकरा देना। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिला था और एक प्रेस रिलीज जयराम रमेश ने जारी किया है। और उस प्रेस रिलीज में सीधे तौर पे लिखा है कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी को मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला था। लेकिन जो खासतौर पे जो रिलीज जारी की गई, उसमें रिलीज की मैं लाइन बता रहा हूँ कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है और इन तमाम पहलुओं को बताते हुए जो है तीनों नेता जो है स्वीकार करते हैं, सम्मान स्वीकार करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो एजेंडा है वो राम मंदिर का मुद्दा है और ऐसे में तीनों नेता जब वहां पे नहीं जाएंगे तो अब सवाल तो उठेंगे ही। और लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल पूछा गया था कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने एक नई लाइन ले ली है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर आएंगे और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते रहे हैं वो निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा करने वाली बात तो होगी ही होगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि मोहित, कांग्रेस के इस कदम को, मेरा ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है इस वक्त पूछना, जहां पूरा देश राम में है, इस पर राजनीति हो रही है, उससे इतर हर कोई ये कह रहा है कि राम सबके हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड ले लेना आने वाले समय में, उसके लिए क्या ये एक बहुत ही घाटे का सौदा होगा? क्या सोच रही होगी इसके पीछे? देखिए, ये तो नतीजे बताएंगे कि किसको नफा किसको नुकसान होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा श्री राम का है, श्री राम मंदिर का है, अयोध्या मंदिर का है। और ऐसे में जिस तरीके से अस्वीकार तीनों नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कर दिया है, तो खामियाजा किस तरीके से भुगतते हैं ये तो अब जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो नैरेटिव लगातार भारतीय जनता ये पार्टी बनाती है कि राम के विरोधी है कांग्रेस के नेता। तो ऐसे में अब इसका पलटवार बीजेपी करेगी तो कैसे जवाब देते हैं ये देखने वाली बात नहीं। तो सवाल ये है ना कि विरोधियों को सिर्फ निमंत्रण को ठुकराने पर सवाल साधने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी राम के अस्तित्व पर सवाल कई साल पहले उठा चुके थे, तो इसका मतलब जो वो मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, सनातन के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या वो सिर्फ दिखावा था? क्योंकि जिसको भी निमंत्रण मिला है उसने खुद को भाग्यशाली समझा है इस क्षण का साक्षी बनने के लिए। धन्यवाद आपका मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।